उत्तरकाशी के सिलकियारा में टनल हादसे में राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है। अब कई जगह से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने एक बार फिर से टनल का निरीक्षण किया, साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी जाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने कहा जितने भी विकल्प है उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में लगातार काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, जितनी भी एजेंसी है उनसे मदद ली जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियाँ हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आए, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए, उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। देखिए वहाँ वैसे तो विशेषज्ञ सभी काम कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कम से कम बीच में जाया जाए, डिस्टरबेंस कम से कम हो, लेकिन चूँकि मौके पर परिजन भी आए हुए हैं, अन्य लोग भी आए हैं, एजेंसियाँ भी काम कर रही हैं और आज भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं तो मैं उनके साथ वहाँ जा रहा हूँ।